राजस्थान के बिहड़ो में ढाई दशक तक आतंक फैलाने वाला एक बागी अब जेल से बाहर आने के बाद खुद अपनी और अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है। यह बागी है पूर्व दस्यु जगन गुर्जर, जो करीब 27 साल पहले 1994 में अपराध की दुनिया में आया और अब अलग अलग मामलों में बरी होने या जमानत पाने के बाद अपनी जान के खतरे की शिकायत को लेकर पुलिस के पास भटक रहा है। हालांकि आलम यह है कि पुलिस भी जगन की मदद के लिए आगे आ रही है। जगन गुर्जर की अपराध की दुनिया में एंट्री अपने जीजा के हत्यारों को मारने के बाद हुई थी। उसने बिहड़ों में जाकर अपना गिरोह बना लिया था और धौलपुर के डोंग को अपना ठिकाना बनाया। बताया जाता है कि उस वक्त गुर्जर की डकैती के खौफ से कई गांवों में शादियां तक होनी बंद हो गई थी। उसका डर ऐसा था कि ना तो उसके गांव में 10 साल तक शादी हुई और उसके गांव वालों के साथ उसके पिता तक गांव छोड़कर चले गए। इस दौरान जगन पर एक पुलिस कर्मी की हत्या और महिलाओं से दुर्व्यवहार के आरोप लगे और देखते ही देखते उस पर 91 मामले दर्ज हो गए। जगन का नाम देश भर में चर्चा में तब आया जब उसने 2008 के आरक्षण आंदोलन के दौरान राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के धौलपुर महल को उड़ाने की भी धमकी दे डाली थी। पुलिस ने उस पर 11 लाख रुपए का इनाम रखा था और वह चंबल का सबसे बड़ा दस्यु बन गया था। बताया जाता है कि बाद में जब उसकी पत्नी उपचुनाव हार गई तो जगन ने फिर बंदूक उठा ली थी। 2019 में जगन ने चौथी बार सरेंडर किया था। इससे पहले वह जब भी जेल से निकला था हर बार उत्पात मचाता हुआ अपराध की दुनिया की तरफ मुड़ गया था। हालांकि पिछले 2 साल जेल में बंद रहने के बाद अब कोर्ट ने 85 मामलों में गवाह और सबूत न मिलने के बाद उसे बरी कर दिया है। 6 और मामलों में उसे जमानत भी मिल गई है, लेकिन अपने परिवार की हिफाजत के लिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। जगन का कहना है कि जेल से छूटने के बाद लगातार उसे जान से मारने व बंदूक लेकर मुकाबला करने के लिए चुनौतियां मिल रही हैं। उसने फोन और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा होने के सबूत भी पुलिस को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। थाने में जाने पर पुलिस कहती है कि उसके 3 राज्यों में दहशत थी, इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता। जगन का कहना है कि उसका बेटा 10वीं में पढ़ता है, अगर किसी झूठे मामले में 14-15 साल के बच्चे को फंसाएंगे तो वे भी बागी बन जाएंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते। जगन ने कहा कि परिवार के लालन पालन के लिए किसी ने नरेगा तक में काम तक उन्हें नहीं दिया।